अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं हारिस उस्मानी और उम्मीद होगी आप सब लोग खैरियत से हैं। तो भाई आज नॉर्वे का मौसम बहुत ही ख़राब है। सुबह से बर्फ़ गिर रही है और हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही है, लेकिन भाई यह है नॉर्वे और यहां तो कुछ भी नहीं रुकता। तो हम भी बाहर आए हुए हैं और आज हम ट्राई करने वाले हैं एक टर्किश रेस्टोरेंट जिसका नाम है इस्तांबुल। तो हाँ, वहाँ चलते हैं, उनका किचन देखते हैं, स्टाफ से बात करते हैं और उनका खाना भी ट्राई करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो बाय फ़ौरन करो। यहाँ पे हम दिखाने वाले हैं काफ़ी मज़ेदार खाने और अच्छी अच्छी जगहें, तो फ़ौरन सब्सक्राइब बटन को दबाओ और इसी के साथ हम आज का एपिसोड शुरू करते हैं। लोगों को पता नहीं है लेकिन इन लोगों ने स्टेक भी शुरू कर दिया है। पेपर स्टेक भी इनके पास, इंडियाना स्टेक भी है और मेक्सिको स्टेक। Perfect. İstanbul kebap, lezzet burada. Kalite. गरम गरम का इतना मजे का है, किचन में खिला रहे हैं, मजा आ गया। ये देखो भाई फुल चीज, देखो भाई गरम गरम उन्होंने दिया है। अभी ये चीज वाला है, ट्राई करते हैं। यार गरम गरम मजा आ गया, आना ये जरूर ट्राई करना। ये देखो भाई, माशाल्लाह वैसे बराबर चलते हैं। ये देखो तैयार हो गई पूरी। ये देखो ब्रेड डाल दी इनने, ये आ गई टमाटर सॉस, ये डाल दिया स्कंदर, दाल,
परफेक्ट। अच्छा खाने के साथ ये हमेशा देते हैं एक पिज़्ज़ा ब्रेड होती है काफ़ी क्योंकि सॉस को और मज़े करने के लिए ना इसमें हम डालते हैं सॉस होता है थाई हॉट चिली सॉस। अब हम इसको मिक्स करते हैं इसके साथ तो मज़ा आया थोड़ा सा स्पाइसी हुआ। इसको करते हैं साइड पे। ये है इनका खाना भाई, ये है मिक्स ग्रेवी और ये इनका जो फेमस होता है इसके अंदर कबाब। स्टार्ट करते हैं इसके अंदर के साथ क्योंकि उसने अभी इसमें गरम गरम डाला है मक्खन, साथ में इतनी बड़ी नई चिली डाल दी। मैं इसमें इनका मीट वैसे ही बहुत टेंडर है, ऊपर से जो मक्खन डाला उसकी वजह से एक्स्ट्रा वो जायका आ रहा है, प्रॉपर मज़ा आ रहा है। उसने मक्खन डाला ना ऊपर से उसकी वजह से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो गया, मतलब खाने के बाद पूरा जायका आ रहा है मक्खन के पीछे। साथ में मैंने मंगवाए फ्राइज क्योंकि मैंने मिक्स ग्रीन के साथ बुलगुर राइस होती है वो मैंने मंगवाई है उसमें, इसमें मैंने फ्राइज कर लिया भैया पूरी प्लेट बना दी। फ्राइज भी रहते हैं घर में ना मज़े के, बहुत मज़े आया। दिल नहीं कर रहा इसको वापस रखने का लेकिन ये भी तो दिखाना है ना, मिक्स ग्रिल भी तो लिया है हमने भैया। सबसे ज़्यादा मैं मिक्स ग्रिल खाता हूँ इनके यहाँ पे आके, उसकी ये वजह है कि इसमें आपको एक तो चिकन का भी मिलता है, एक इनका जो होता है अदाना कबाब और साथ में ये लैम का भी होता है, मतलब यहाँ पे तीन अलग अलग फ्लेवर बंदा एक ही डिश में टेस्ट कर लेता है। ट्राई करते हैं हम सबसे पहले इनकी चिकन, जूसी लग रही है मज़े की है, हल्की स्पाइस है, जो टर्किश फूड होता है वैसे भी इतना स्पाइसी होता नहीं है, तो हल्का सा मसाला इसमें है और काफ़ी जूसी है। हम देखते हैं मज़े की यार इनके ये वाले बिल्कुल राइस होते हैं है वैसे काफ़ी प्लेन, जायका इतना है नहीं, हल्का सा टमाटो सॉस का आ रहा है लेकिन इसका मकसद ये है ना कि आप इसका जायका कंप्लीट करते हो उसके बाकी चीज़ों के साथ। अच्छा सेकंड हम लेते हैं इनके जो लैम के पीस होते हैं चीज़ है और किसा जायका आ रहा है इसका, मज़े का काफ़ी। अब हम ट्राई करते हैं इनका अदाना कबाब, काफ़ी मज़े का है, अंदर से बहुत लाइट है बाहर से प्रॉपर ग्रिल हुआ हुआ है और हल्का सा मसाला है लेकिन इतना है कि पूरा फ्लेवर दे रहा है इसका, कॉल लेते हैं मुझे पता है। इसको डिप करते हैं हम स्पाइसी और मिक्स के साथ, इसका मसाला बहुत मज़े का, चिकन का भी मसाला बहुत मज़े का था और ये भी बहुत मज़े का था, थोड़ा सा च्यूवी होता है इसलिए मुझे ये जो इनका अदाना कबाब और चिकन जो है इनकी वो मुझे ज़्यादा मज़े की लगी वाली जो इनकी लंच है ज़्यादा खुली है, ज़्यादा फैमिली के लिए बेहतर है, इधर इतना शो नहीं जितना आपको ग्रिल्ला में थोड़ा सा होता है, उन्हें काफ़ी अच्छे तरीके से डेकोरेट किया हुआ है, ये मतलब तरीके की चीज़ें हैं आपको पेंटिंग में मिल जाती है, जो पीछे मेरी पेंटिंग बनी हुई है ये वो ब्रिज है जो एशिया और यूरोप को मिलाता है, अच्छे तरीके से इन्हें रखा हुआ है, इनका स्टाफ भी बहुत अच्छा है, अच्छे तरीके की इन्हें सारी सर्विस दी है, तो ओवरऑल बहुत अच्छी जगह है, आराम से ज़रा आराम से मतलब खाना खाए, प्राइस भी काफ़ी ठीक है क्योंकि क्वान्टिटी बहुत ज़्यादा है। मौसम चेक करो जितनी भी बर्फ देख रहे हो ना ये 5-6 घंटे में से गिर रही है पूरी कवर कर दी है फुल मौसम सही के पता चल रहा है। क्या बात है भाई ऐसे मौसम में भी लोग भागते हैं शॉर्ट्स में जा रहा है भाई ठंडने लगती लोगों को। तो यहीं पर हम इस वीडियो को एंड करते हैं, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में।